जी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी इक्विवेलेंट सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। आपको पता कि डिफरेंट जो रिलेशंस हैं या टेबल्स हैं उनके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज मौजूद होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, फंक्शनली डिपेंड कर रहे होते हैं, इनका कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई रीजन होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो कोई चीज किसी की वजह से मौजूद है, एक एट्रीब्यूट है, वो समटाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा, समटाइम होगा कि वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वजह से एग्जिस्ट कर रहा होगा या उसकी रेलेवेंस उस रिलेशन के अंदर या उस टेबल के अंदर उस दूसरे एट्रीब्यूट की वजह से होती है, जिसको हम फंक्शनली डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर सिचुएशन ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने डिजाइनर को दिया है टास्क कि ईआरटी डायग्राम है, उसका रिलेशन मॉडल बना के लाए, तो रिलेशन मॉडल के अंदर आपको पता है कि वो डिफरेंट डिपेंडेंसीज के सेट्स जनरेट करके देगा। अब अगर दो बंदे ये काम करके लाएं तो उनमें से किसका काम बेहतर है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट जो दो लोग हैं वो अपने हिसाब से फंक्शन डिपेंडेंसीज के सेट जनरेट करके लाएंगे, उनमें से बेहतर कौन सा है ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि ये देखा जाता है कि कौन सा फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट बेहतर है, तो उसके लिए इक्विवेलेंसी चेक की जाती है दोनों की कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है और किसमें ज्यादा फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं किसमें कम है। ठीक है, ऑब्वियसली वो सेट जिसके अंदर फंक्शन डिपेंडेंसीज कम है वो ज्यादा इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है, उसको अप्रूव किया जाएगा। टू सेट्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज आर इक्विवेलेंट इफ एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ वन सेट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द अदर सेट एंड वाइस वर्सा। दो फंक्शन डिपेंडेंसीज के सेट जो हैं वो बराबर तब होंगे जब एक के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में मौजूद हों और दूसरे के पहले में मौजूद हों। ठीक है, सिंपल सा तरीकाकार जिसको हम सब सेट भी कहते हैं कि फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट एफ डी वन है एफ डी टू है, तो एफ डी वन अगर एफ डी टू का सबसेट है और एफ डी टू एफ डी वन का सबसेट है तो हम कहेंगे कि दोनों सेट बराबर हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स बराबर हैं। जैसे सिंपली जो सेट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर उनके अंदर भी सबसेट का रूल जो है सिंपल आपको पता है कि वो कैसे काम करता है। अब एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी के सेट्स की इक्विवेलेंसी जो है वो कैसे चेक की जाती है। अब अज्यूम करें कि हमारे पास दो सेट्स हैं जी, एक सबसे पहले रिलेशनशिप है आर, उसके ए बी सी डी तीन एट्रीब्यूट या कॉलम्स हैं और आगे हमने कुछ सेट्स लिए हैं फंक्शन डिपेंडेंसीज के। आपको पता है जब हम क्लोजर फाइंड करते हैं तो हमें रिलेशन के साथ साथ फंक्शन डिपेंडेंसीज भी दी होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करते हैं, तो ये उसी तरीके से आप अज्यूम करें कि रिलेशनशिप है और पहले हमारे पास क्लोजर के टाइम पे एक सेट होता था फंक्शन डिपेंडेंसी का, अब दो हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अज्यूम करें कि हमारे पास दो सोल्यूशन आए तो हमने देखना कि इनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो हम प्रूव करके देखेंगे कि फंक्शन डिपेंडेंसी वन का जो सेट है वो टू के बराबर है कि नहीं। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है जी, सबसे पहले देख लें कि बाहर देखने में आपको लग रहा है कि मिसाल के तौर पे जो फंक्शन डिपेंडेंसी है पहले तो हम चेक करते हैं कि वन जो है वो टू का सबसेट है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि जो फंक्शन डिपेंडेंसी तीन मिसाल के तौर यहाँ पे दी गई है फंक्शन डिपेंडेंसी वन सेट के अंदर ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी और ए बी डिटरमाइंस डी। अब ये तीनों चीजें फंक्शन डिपेंडेंसी टू सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं है, अगर तो हैं तो फिर हम कह देंगे जी ये एफ डी वन जो है एफ डी टू का सेट सबसेट है। इसका तरीका कार क्या है, सबसे पहले तो अपेरेंटली हमें बाहर देखने में पता चल जाएगा कि ए डिटरमाइंस बी इसके अंदर है टू सेट के अंदर, हाँ जी ये है जी, इसका मतलब है पहला टू हो गया। दूसरा बी डिटरमाइंस सी ये सेट दूसरे सेट के अंदर है, फंक्शन डिपेंडेंसी ये वाली बी डिटरमाइंस सी दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, हाँ जी है, ये भी ट्रू हो गया। तीसरा सेट जो फंक्शन डिपेंडेंसी है ए बी डिटरमाइन डी ये इस दूसरे सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं है, अब बाहर देखें तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि नहीं है, इधर है ए बी डिटरमाइन डी लेकिन ए बी डिटरमाइन डी इस सेट में मौजूद नहीं है कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर तो हमें लग रहा है कि ये दोनों सेट जो है वो बराबर नहीं है क्योंकि ये वाला इसका सबसेट नहीं है, ये डिपेंडेंसी जो है ये इसमें मौजूद नहीं है बी के अंदर या टू के अंदर। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमें ये थोड़ा सा टेक्निकली चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये ए बी डिटरमाइंस डी इसमें है कि नहीं है, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बाहर देखने से अगर नजर नहीं आ रहा तो इसका हरगज मतलब नहीं है कि ये इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर ए बी का क्लोजर लेंगे। ए बी का क्लोजर
किस हिसाब से लेंगे, इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ जो ऑपोजिट सेट है उसके मुताबिक ए बी का क्लोजर लेंगे और देखेंगे कि ए बी के क्लोजर अगर हम लें तो क्या उसके क्लोजर सेट के अंदर डी आता कि नहीं आता। अगर तो आ गया इन फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक तो फिर इसका मतलब कि ए बी डिटरमाइंस डी इनडायरेक्टली इसके अंदर मौजूद है। उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं वन बाई वन, जैसे अभी मैंने किया कि ए बी ए डिटरमाइंस बी भी इसमें मौजूद है, ये पहला हो गया। बी डिटरमाइंस सी, वो भी हमने देखा कि बी डिटरमाइंस सी इधर भी है इधर भी है, ये भी हो गया। अब मसला आ रहा है यहाँ पे, इसको देखना पड़ेगा तीसरे स्टेप के अंदर, ए बी डिटरमाइंस डी इज प्रेजेंट इन सेट एफ डी वन बट नॉट डायरेक्टली, ये इसमें मौजूद है लेकिन हमें बाहर नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इस ए बी का क्लोजर लेंगे। यहाँ पे ए बी का क्लोजर लिया हुआ है, क्लोजर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हम देखते हैं कि जिन एट्रीब्यूट्स का आपने क्लोजर लेना है एज इट इज पहले तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं ए बी, ठीक है जी। फिर हम इस ए बी का क्लोजर लेना है जब हमने, क्योंकि हमने साबित करना है कि ए बी डिटरमाइंस डी इस सेट में मौजूद है कि नहीं है, तो लिहाजा हम ए बी का जो क्लोजर लेंगे वो इन कंडीशन के तहत लेंगे फंक्शन डिपेंडेंस के मुताबिक। अब ए बी हमने एज इट इज ले लिया, फिर हम देख रहे हैं जी इन कंडीशन को हम एग्जॉस्ट करना शुरू करेंगे, ए डिटरमाइंस बी, अब ए पहले ही है इसमें बी भी है तो लिहाजा ये भी ऐड हो गया, बी डिटरमाइंस सी, बी है तो हम सी को भी ऐड कर देंगे क्योंकि बी है तो सी भी आ सकता है, ए डिटरमाइंस सी, ए है तो सी भी है, ये दोनों मौजूद हैं ए सी, लिहाजा इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए डिटरमाइंस डी, ए हमारे पास है यहाँ पे मौजूद तो हम डी भी ऐड हमने यहाँ पे कर दिया, तो फाइनली हमारे पास ए बी का क्लोजर जो है वो हमने लिया इन फंक्शन डिपेंडेंसीज के सेट के मुताबिक टू के मुताबिक, तो जो क्लोजर सेट है वो आ गई ए बी सी डी। अब इससे क्या हुआ बोला कि हमने ये देखा कि जो ए बी का क्लोजर हमने लिया ये वाला, इस ए बी का, इसको हमने साबित करना था कि इसके क्लोजर में डी आता कि नहीं आता क्लोजर सेट के अंदर, तो हमने देख लिया कि ये डी आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए बी का क्लोजर लेने से डी आ गया, तो इसका मतलब यह है कि ए बी डिटरमाइंस डी बजाहर इस फंक्शन डिपेंडेंसी सेट टू के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्टली है, ये इसने साबित किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले तमाम जो डिपेंडेंसीज के जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं तीनों, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंक्शन डिपेंडेंसी टू के इस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया जी। अब एफ डी वन एफ डी टू का सबसेट है, ये यहाँ पे साबित हो गया। अब हमें दूसरे स्टेप पे ये साबित करना पड़ेगा कि एफ डी टू भी एफ डी वन का सबसेट है कि नहीं है, तो इसके लिए सेम वही टेक्निक है कि हम देखेंगे कि ए डिटरमाइंस बी इसमें मौजूद है कि नहीं है वन में, ठीक है जी है, सबसे पहले मौजूद है, बी डिटरमाइंस सी इसमें मौजूद है, हाँ जी वो भी है, ए डिटरमाइंस सी तीसरा वो हम देखेंगे इसमें बाजार हमें देखने में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ए डिटरमाइंस सी इसके अंदर नहीं है, लेकिन जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्लोजर फाइंड करके चेक किया कि क्या इनडायरेक्टली मौजूद तो नहीं है कहीं, तो फिर हम क्या करेंगे इस ए का क्लोजर लेंगे ये वाला ए, और देखेंगे कि इसके क्लोजर के अंदर क्लोजर सेट के अंदर सी आता कि नहीं आता, या ए की मदद से हम सी को डिटरमाइन कर पाते कि नहीं करते। और उसके लिए जो सबसे अहम चीज है याद रखने वाली वो अभी मैंने आपको बताई थी कि जब हमने इस सेट के किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर लेना है तो हमें ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक लेना है, इसकी अपनी नहीं। जब हम ए का क्लोजर लेंगे तो फंक्शन डिपेंडेंसी हम दूसरे सेट की कंसिडर करेंगे, तो हमने जब ए का क्लोजर लेना है यहाँ पे ले रहे हैं तो ए का क्लोजर लिया तो ए एज इट इज उसमें पहले ही आ जाएगा, फिर इसके मुताबिक देखें कि ए हो तो बी डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है जी, हमने एक साथ बी भी ऐड कर दिया, फिर देखते हैं बी हो तो हम सी डिटरमाइन कर सकते हैं, बी था लिहाजा हमने सी भी ऐड कर दिया यहाँ पे तीसरे स्टेप के अंदर, ए बी हो तो हम डी कर सकते हैं डिटरमाइन, ए बी हमारे पास था हमने यहाँ पे डी भी ऐड कर दिया, तो अब ए के क्लोजर के अंदर फाइनली ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। हमने साबित क्या करना था कि हमारे पास अगर ए हो तो हम सी डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं, लिहाजा हमने यहाँ पे देखा कि ए के क्लोजर के अंदर डी आता है, यानी कि डी एक ए की मदद से हम डी को डिटरमाइन कर सकते हैं, सॉरी सी को, ठीक है, ए से हमने सी को साबित करना था, तो ए से हमने सी को साबित कर दिया कि ए के क्लोजर के अंदर ये देखें सी आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए डिटरमाइन सी बजाहर देखने में हमें लग रहा है कि एफ डी वन के अंदर मौजूद नहीं है इस सेट के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली है, ठीक है, क्योंकि हमने ये टेक्निकली इसको प्रूव किया है। फिर ए डिटरमाइंस डी ये भी हम देखेंगे इसमें है कि नहीं है। अब ये तीन तो साबित हो गए,
कि ये इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौजूद हैं, ए डिटरमाइंस डी भी इसमें नहीं है। उसी तरह से हमें ए का फिर क्लोजर लेना पड़ेगा और देखेंगे कि ए की मदद के क्लोजर में हम डी को डिटरमाइन कर पाते कि नहीं करते। तो लिहाजा अगर वही सेम क्लोजर तो वही रहेगा क्योंकि हमने ए का लिया हुआ ऑलरेडी लिया हुआ, पहले भी ए का लिया था, अभी ए का लेना तो क्लोजर वही चलना। तो इसमें हमने देखा कि ए का क्लोजर लें तो हम डी फाइंड कर लेते हैं या डी को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ए डिटरमाइंस डी, ये भी इनडायरेक्टली इस सेट के अंदर मौजूद है, सेट ए के अंदर, ठीक है। तो लिहाजा साबित हुआ कि ये जो चारों एट्रीब्यूट थे एफ डी टू के, ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफ डी अंदर के एफ डी वन सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। प्रीवियस स्लाइड में हमने साबित किया था कि एफ डी वन जो सेट है ये वाला, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफ डी टू के अंदर मौजूद है, यानी कि इसका सबसेट है। और इस स्लाइड दूसरी स्लाइड के अंदर हमने साबित किया कि एफ डी टू भी एफ डी वन का सबसेट है क्योंकि ये तमाम एट्रीब्यूट या डिपेंडेंसीज भी इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा हम ये साबित हमने किया कि एफ डी वन जो है वो एफ डी टू का सबसेट है और एफ डी टू जो है वो एफ डी वन का सबसेट है, ये प्रूव हो गया। अब अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक एट्रीब्यूट भी दोनों तरफ ऐसा हो, सॉरी एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी दोनों में से दोनों तरफ से हो अगर ऐसी होती जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमारा ये जो इक्विवेलेंस वाला है हमारा क्लेम वो रॉन्ग साबित होता है, ठीक है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो फिर हमने डेफिनेटली लिखना था कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। यह जी इक्विवेलेंसी के दो फंक्शन डिपेंडेंसीज की इक्विवेलेंसी कैसे चेक की जाती है या साबित की जाती है। हमारे पास कोई रिलेशनशिप होगा आर उसके एट्रीब्यूट और आगे कोई दो सेट होंगे फंक्शन डिपेंडेंसीज के गिवन होंगे ये, जिनको हमने साबित करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर आर और उसके एट्रीब्यूट का डिटेल और आगे दो फंक्शन डिपेंडेंसीज के सेट दिए होंगे, तो आपने इनकी इक्विवेलेंसी चेक करके फाइंड करनी है। समटाइम जैसे अभी हमने स्लाइड के अंदर देखा कि आपको ए बी और ए बी डायरेक्टली मिल जाएंगे, इनको तो हो गया जी पहली अटेम्प्ट के अंदर ही हो गया, लेकिन समटाइम हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कहीं इनडायरेक्टली मौजूद तो नहीं है। तो फिर ए बी डिटरमाइंस डी, जैसे इसमें नहीं था तो हमने साबित किया कि ए बी डी को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए जो सबसे अहम जो याद रखने वाली बात थी कि जब भी हमने एक सेट के किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करना है तो हम कोई एट्रीब्यूट जो भी है उनका क्लोजर लेंगे, लेकिन वो क्लोजर जो है वो दूसरे सेट के फंक्शन डिपेंडेंसी के मुताबिक लेंगे, ठीक है जी। ये था जी दो सेट्स की इक्विवेलेंसी चेक करने का प्रोसेस।